हेलो एवरीवन, दिस इज शची गुप्ता फ्रॉम टेस्ट बुक सुपर कोचिंग। आज हम एक बहुत बर्निंग टॉपिक है एफबीआई, उसके बारे में जानेंगे कि एफबीआई होता क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसका दूसरे टाइप के इन्वेस्टमेंट से क्या डिफरेंस होता है, वो सारी चीज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर मैं बात करूं हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट की कि होता क्या है हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो उसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली कुछ नहीं होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जब कोई व्यक्ति, कोई फॉरेन इन्वेस्टर हमारी कंट्री में, मतलब कोई फॉरेनर हमारी कंट्री में आकर के हमारी किसी कंपनी में, किसी फर्म में, किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, ये इतना लार्ज इनफ इन्वेस्टमेंट होता है कि यहाँ पे जब ये फॉरेन कंट्री का व्यक्ति यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा होता है, तो इस इन्वेस्टमेंट में से कुछ मैनेजमेंट और ओनरशिप के राइट्स भी इस व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है बेसिकली ये क्या है, एक तरीके का ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें ओनरशिप और स्टेक भी चला जाता है फॉरेन इन्वेस्टर के पास। आगे देखते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूं तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। आज का हमारा मेन ऑब्जेक्टिव फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को समझना है। हालांकि हम ये भी देखेंगे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो में अंतर क्या होता है, क्यों फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट इट। अगर मैं एफडीआई की बात करूं तो पहले तो ये जानेंगे कि भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता क्या है, व्हाट डज दिस मीन। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, एक ऐसी कंपनी है जो कि कंट्रोलिंग ओनरशिप लेती है बिजनेस एंटिटी ऑफ अनदर कंट्री। फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया है और ये यूएसए है। अगर मैं बात करूं एफडीआई की तो यहाँ पे यूएसए की एक कंपनी क्या कर रही है, इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है। इंडिया में इन्वेस्ट करने की वजह से बेसिकली यहाँ पे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है ये यूएसए की कंपनी कि इस पर्टिकुलर कंपनी का, जो इंडिया की कंपनी है, उसका कुछ मैनेजमेंट का हिस्सा, कुछ कंट्रोल का हिस्सा भी इस यूएसए की कंपनी के पास पहुंच जाता है। ठीक है, बेसिकली फॉरेन कंपनीज डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाती हैं इस इंडियन कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस में भी एफडीआई के थ्रू। बेसिकली जस्ट ये कैपिटल नहीं दे रहा है, ये यूएसए का व्यक्ति ये इंडिया में सिर्फ कैपिटल नहीं इन्वेस्ट कर रहा है, ये अपना नॉलेज भी इन्वेस्ट कर रहा है, ये अपनी स्किल, अपनी टेक्नोलॉजी सब इन्वेस्ट कर रहा है, जिस वजह से इस इंडिया की कंपनी का बेसिकली बहुत हद तक मैनेजमेंट एंड कंट्रोल भी इस यूएसए की कंपनी के पास पहुंच जाता है। आगे देख लेते हैं कि अगर मैं बात करूं कि डिफरेंस क्या है एफडीआई और एफपीआई। मैंने बोला, आपको बताया एफडीआई क्या होता है, एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जहां पे दूसरी कंट्री जैसे यूएसए का हमारी कंट्री में मनी का इन्वेस्टमेंट, साथ साथ स्किल और टेक्नोलॉजी का भी इन्वेस्टमेंट होता है, जिस वजह से मैनेजमेंट और कंट्रोल यूएसए की कंपनी में चला जाता है। अब एफपीआई और एफडीआई में अंतर क्या है, भाई हम बोलेंगे कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी तो वही होता है, नहीं, दोनों में डिफरेंस है, देख लेते हैं क्या है। एफडीआई जो है एफडीआई मैनेजमेंट और कंट्रोल का राइट देता है, जबकि एफपीआई जो है ना वो इतना छोटा सा इन्वेस्टमेंट होता है। इतना छोटे का मतलब क्या, इतने छोटे का मतलब 10% से कम का इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जाम्पल ये इंडिया है, आपका ये यूएसए है। अब यूएसए की कंपनी किसी इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, मगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। इतना बड़ा नहीं मतलब ये जो इंडिया की कंपनी है इसके टोटल पेड अप कैपिटल, ये इंडिया की कंपनी एक्स लिमिटेड है, इसका टोटल पेड अप कैपिटल 100 करोड़ का है। अब मान लीजिए इस 100 करोड़ के 10% से कम, मतलब 9 करोड़, 9 करोड़ आपका 9% हो जाएगा। अगर यूएसए की कंपनी इस एक्स लिमिटेड के 10% पेड अप कैपिटल से कम में इन्वेस्ट करती है तो हम उसको बोलेंगे वो एफपीआई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है। जबकि अगर वही यूएसए वाली कंपनी इंडियन कंपनी में 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट करती है, फॉर एग्जाम्पल इस 100 करोड़ के पेड अप कैपिटल वाली कंपनी में अगर ये यूएसए वाली कंपनी बेसिकली मान लीजिए 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करती है, तो उस केस में हम ये कहेंगे कि ये बेसिकली एफडीआई है
और यही 9 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारा एफपीआई कहलाएगा। क्योंकि एफपीआई में इन्वेस्टमेंट कम होता है तो कंट्रोल और मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा नहीं होता, एक्टिव रोल इन्वॉल्वमेंट मैनेजमेंट में एफपीआई के केस में नहीं होता है, एफडीआई के केस में होता है। ठीक है, एफडीआई इज व्हेन अ कंपनी इन्वेस्ट इन फॉरेन कंट्री टू सेटअप प्रोडक्शन और सम अदर फैसिलिटी। जब बेसिकली एफडीआई इसलिए, इस तरीके का इन्वेस्टमेंट इसलिए किया जाता है कि दूसरी कंट्री में ना, ये यूएसए वाली कंट्री की कंपनी को इंडिया में ना कोई नया मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाना है। ठीक है, तो उस केस में एफडीआई का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि एफडीआई सिंपली की इस कंपनी ने, यूएसए की इस कंपनी ने इंडिया की इस कंपनी का शेयर खरीद लिया, इसका मतलब ये एफपीआई, सिर्फ शेयर खरीद लिया, कंपनी की इक्विटी खरीद लिए तो वह एफपीआई, और उसका पूरा प्रोडक्शन यूनिट खरीद रहे हैं एक तरीके से। ठीक है, पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट है मैनेजमेंट में, तो वो एफडीआई, कंट्रोल चला जाता है एफडीआई में, एफपीआई में कंट्रोल नहीं शिफ्ट होता। ठीक है, एफडीआई ऑब्वियसली जब कंट्रोल शिफ्ट हो रहा है, मैनेजमेंट शिफ्ट हो रहा है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, और एफपीआई यही हमारा शॉर्ट टर्म के लिए हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली एफडीआई किसी भी कंट्री के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली इंडिया में अगर कोई यूएसए की कंपनी आकर के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही है, मतलब कोई प्रोडक्शन यूनिट लगा रही है या बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो इंडिया की ग्रोथ के लिए ये बहुत सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, मगर यही एफपीआई अगर कोई कंट्री कर रही है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो सिर्फ इंडिया की कंपनी को कैपिटल मिलेगा, बहुत ज्यादा इससे इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो ये हुआ हमारा एफडीआई और एफपीआई के बीच का डिफरेंस। आई होप ये आप लोगों को समझ आया। अभी क्या देखेंगे कि एफडीआई कैसे अलाउ किया जाता है इंडिया में। दो तरीके हैं एफडीआई अलाउ करने के इंडिया में, कौन कौन से दो तरीके हैं देख लेते हैं। पहला है ऑटोमेटिक रूट और दूसरा है गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट मतलब मुझे ये दो कंट्रीज अवेलेबल हैं, इंडिया और यूएसए, यूएसए की कंट्री की एक कंपनी को इंडिया में इन्वेस्ट करना है, डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर दिया, प्रोडक्शन यूनिट खोल लिया, कोई प्रायर अप्रूवल गवर्नमेंट या आरबीआई से लेने की जरूरत नहीं है, इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक रूट। गवर्नमेंट रूट में यही, जब कोई यूएसए की कंपनी इंडिया की कंपनी में इन्वेस्ट करेगी तो उसको पहले गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम बोलते हैं वो गवर्नमेंट रूट से। बहुत सारी ऐसी अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं जिसको गवर्नमेंट ने मार्क किया हुआ है कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आपको ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्टमेंट एफडीआई अलाउ है, और इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आपको गवर्नमेंट रूट से जाना पड़ेगा। और कुछ तीसरी टाइप की इंडस्ट्रीज भी हैं जहां एफडीआई अलाउ ही नहीं है, देख लेते हैं वो कौन सी है। ठीक है, जहां एफडीआई आपको अलाउ ही नहीं है वो कौन सी इंडस्ट्री है वो देख लेते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं वो है एटॉमिक एनर्जी। अगर मैं बात करूं एटॉमिक एनर्जी की, तो एटॉमिक एनर्जी जेनरेशन में एफडीआई हमारी कंट्री में अलाउ नहीं है। कोई भी गैम्बलिंग बेटिंग का बिजनेस है तो कोई दूसरा व्यक्ति, कोई दूसरे देश का व्यक्ति हमारे यहाँ के इन्वेस्ट नहीं कर सकता। लॉटरी हो गई, ऑनलाइन हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट की हो, चिटफंड में इन्वेस्टमेंट, निधि कंपनी में इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटीज में भी एफडीआई प्रोहिबिटेड है, अलाउ नहीं है। हाउसिंग, रियल एस्टेट, ट्रेडिंग इन टीडीआर, सिगार, सिगरेट और कोई भी टेबैको रिलेटेड इंडस्ट्री होती है ना, उसमें भी एफडीआई अलाउ नहीं है। ठीक है, तो भाई कौन कौन सी कैटेगरी होती है जिसमें एफडीआई अलाउ होता है देख लेते हैं। कैटेगरी नंबर वन के अंदर वो सेक्टर्स होते हैं जिसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100% परमिटेड होता है ऑटोमेटिक रूट से। मतलब अगर कोई फॉरेन कंट्री की कंपनी, यूएसए की कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहे तो वो 100% जितना भी इन्वेस्ट करना चाहती है उस अमाउंट का 100% ऑटोमेटिक रूट से कर सकती है। उसको 100% इन्वेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। पहली कैटेगरी ये हो गई कि 100% इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूट से हो गया। सेकेंड कैटेगरी कि जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रही है यूएसए की कंपनी इंडिया की कंपनी में, जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रही है उसका पूरा का पूरा 100% अमाउंट गवर्नमेंट की परमिशन के थ्रू ही होना चाहिए।
ये कैटेगरी टू होती है एफडीआई की। कैटेगरी थ्री में क्या होता है, बेसिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट परमिटेड होता है सर्टेन लिमिट के बियॉन्ड भी, ठीक है। और कैटेगरी फोर की वो एफडीआई होती है जिसमें कुछ पोर्शन तो ऑटोमेटिक रूट से जाना चाहिए और कुछ पोर्शन में हमें गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत होती है। अगर आप चाहते हैं इन कैटेगरीज में कौन कौन सी इंडस्ट्री, कौन कौन से सेक्टर, कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस पर डिटेल में एक वीडियो बना दूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। इसी के साथ अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारा बूस्टर कोर्स लॉन्च हो चुका है। बूस्टर कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी बूस्टर कोर्स ज्वाइन करेगा उनको फाउंडेशन कोर्स का फुल एक्सेस मिल जाएगा। ये बेसिकली फोर कोर्सेज का कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको फाउंडेशन कोर्स, बूस्टर कोर्स, टेस्ट सीरीज, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट सब मिलेगा, ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है बेसिकली शची मैम टेक्स्ट बुक के नाम से। ये उस टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर लीजिएगा, इससे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएंगे। वहां आपको बहुत सारे अपडेट्स, नई इंफॉर्मेशन, नए वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है। और अगर आपने टेक्स्ट बुक का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं जैसे कि लाइव क्लास, प्रैक्टिस सेशन, मॉक टेस्ट, क्विजेस, पीडीएफ। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्लास कैसी थी। विद दिस आई एम कंक्लूडिंग दिस सेशन। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइए। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।